हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का टोपर स्प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर्स सेवन चैप्टर्स तक हम कर चुके हैं तीन चैप्टर्स और देखेंगे आगे एट नाइन और टेन ठीक है जिसमें हम प्रीवन एवं संचार व्यापार के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए प्रिवेन के साधन कौन कौन से होते हैं स्थल जल और वायु स्थल में बात करें तो सड़क रेलवे पाइपलाइन ये क्या है स्थलीय साधन है जलिए हम बात करें तो सागरीय महासागरीय और अंतरस्थलीय वायु में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय देखिए सबसे पहले रेल लाइनों का वर्गीकरण चौड़ाई के आधार पर बड़ी लाइन क्या होती है आ, तो जो एक पॉइंट पांच मीटर या उससे अधिक चौड़ाई की हो मानक लाइन होती है 1.44 मीटर की और मीटर लाइन होती है 1 मीटर की संचार क्रांति देखिए उपग्रह संचार इंटरनेट दूर संचार एवं कंप्यूटर का एकीकरण सेलफोन का प्रयोग ऑप्टिक तारों का समावेश और सूचनाओं का अंकीकरण ठीक है इनके द्वारा जो थी संचार क्रांति आई चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण तो तथ्य जानते हैं सर्वाधिक सड़क घनत्व महाद्वीप कौन सा है उत्तरी अमेरिका उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला महामार्ग है पान अमेरिकन सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका सघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप यूरोप दक्षिण अमेरिका का महाद्वीपीय रेल मार्ग ब्यूनेसायर से व्याल पेराइजो तक है विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग या वृहद ट्रंक मार्ग विश्व के कुल वायु मार्गो के साठ प्रतिशत भाग का प्रयोग करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध पाइपलाइन है बिग इंच ठीक है क्वेश्चन है सीमावर्ती सड़क कि नहीं कहती इनका क्या महत्व है तो देखिए सीमावर्ती सड़क क्या होती है किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फिर आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं नदियों नहरों, झीलों एवं तटीय क्षेत्रों में होने वाले जल परिवहन को आंतरिक जल मार्ग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंतरिक जल मार्ग किसे कहते हैं नदियों नहरों, झीलों एवं तटीय क्षेत्रों में होने वाले जल परिवहन को आंतरिक जल मार्ग कहते हैं सड़क घनत्व का अर्थ क्या है सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है नदियों की नो गम्यता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं तो नदी के तल को गहरा करना नदी तल को स्थिर करना व बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित करना परिवहन जाल से क्या तात्पर्य परिवहन जाल क्या है मार्ग की विविध श्रेणियों से कई स्थान आपस में जुड़ जाते जब एक स्थान दूसरे स्थान से कई मार्गो से जुड़ जाते तो एक जाल का निर्माण होता है। पनामा नहर में जल बंधकों का निर्माण क्यों किया गया है जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जल बंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई के समुद्र स्तर को पार करने के लिए इन जल बंधकों का निर्माण किया गया है पश्चिमी एशिया में रेल सुविधाओं का सबसे कम विकास क्यों हुआ एक कारण स्पष्ट कीजिए तो विस्तृत मृतस्थल तथा विरल जनसंख्या के कारण रूस में वोल्गा एक अत्यंत विकसित आंतरिक जलमार्गों में से एक है न्याय संगठ ठहराइए यह अनेक नावे नेहरो को जोड़ता है और रूस के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है चले और क्वेश्चन देखिए प्रिवेन के लिए कौन सी विधि अच्छी है तो वायु यातायात किस मार्ग द्वारा उच्च मूल्य वाली तथा तो नाशवान वस्तुओं का परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है तो वायु मार्ग आरंभिक दिनों में कौन स्वयंवाहक थे विकल्प चुने तो स्वयं थे आ। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव जो थे स्वयंवाहक थे ठीक है मानव चलिए अगला देखिए सड़क परिवहन में किस प्रकार क्रांति आई तो अंतर दहन इंजन के आविष्कार के द्वारा सड़कों पर संकुलन बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है तो सड़क तंत्र का यातायात -यात के अनुसार विकसित न होना महामार्गों की चौड़ाई कितने मीटर होती है तो 80 मीटर होती है महामार्गों की चौड़ाई चीन में महामार्ग क्रिस क्रॉस कब करते हैं जब महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग किन प्रदेशों में सघन है तो अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार साइबेरियन रेलमार्ग का आर्थिक महत्व क्या है तो पार साइबेरियन रेलमार्ग जो है ये एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है ठीक है चलिए नाइन्थ चैप्टर देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार सबसे पहले इतिहास पढ़े इसमें देखिए रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम एव रोम की ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिका में होता था औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार आधुनिक युग में डब्लू का गठन और आधुनिक युग में पतनों की महत्वपूर्ण तो भूमिका ठीक है तो देखिए द्विपार्शिक पार्श्विक व्यापार और बहु व्यापार महत्वपूर्ण पक्ष है व्यापार का परिणाम और दिशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखिए क्या क्या आधार क्या है इसमें राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता जनसंख्या का कम यादि कोना देशों में आर्थिक विकास में अंतर होना और व्यापार नीतियां परिवहन व्यापार का परिमाण का अर्थ मतलब क्या है तो व्यापार की गई वस्तुओं तथा तो सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली की परख कीजिए तो यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निर्धारित करता है यह सदस्य देशों के मध्य विवादों का भी निपटारा करता है उस प्रादेशिक व्यापार समूह का नाम बताए जिसका भारत सदस्य है तो साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का मुख्यालय कौन सा नगर है वियना

यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक हो तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है जिससे प्राप्त लाभ देश की प्रगतिशील योजनाओं में व्यय किया जाता है समुद्री पतन की महत्ता किस प्रकार निर्धारित की जाती है तो जहाजों की संख्या के द्वारा संसार में जनजातीय समुदायों में वस्तु विनियम प्रणाली किस प्रकार प्रचलित है तो वस्तु विनियम प्रणाली में जो है वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है अर्थात सेवा या वस्तु के बदले में वस्तु ही दी जाती है यह है वस्तु विनियम प्रणाली ठीक है निम्न में से व्यापार के तात्पर्य को छाटना छाटिए तो व्यापार का तात्पर्य क्या वस्तु और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान विनियम व्यवस्था किस समाज में प्रचलित थी उचित विकल्प चुने तो आदिम सन, समाज में प्राचीन समाज में व्यापार कहां तक स्थित था तो स्थानीय बाजारों तक सीमित था नेक्स्ट प्रथम तथा तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रों ने व्यापार क्षेत्र में क्या किया तो राष्ट्रों ने जो है व्यापार क्षेत्र में क्या किया व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के लिए क्या उद्देश्य था तो सदस्य राष्ट्रों के द्वारा मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए औद्योगिक पतन के निम्न में से कौन सी विशेषता है तो थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र पतन कौन सा है तो स्थल रुद्र पतन कौन सा है सैन फ्रांसिस्को, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इसमें हम लास्ट चैप्टर देख रहे हैं मानव बस्तियां तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां प्रतिरूप देखें विन्यास के आधार पर प्रतिरूप कार्य के आधार पर के विन्यास के आधार पर मैदानी पठारी तटीय वन और मरुस्थलीय ठीक है कार्य के पर लकड़हारा ग्राम मछुआरा ग्राम कृषि ग्राम पशुपालक ग्राम और आकृति के आधार पर दोरे ग्राम वृत्ताकार तारे के आकार आकार के टी आकार के टी वाई आकार के और चौक पट्टी नगरीय वस्तियों में देख लीजिए प्रक्रिया के आधार पर प्रशासनिक नगर व्यापारिक नगर सांस्कृतिक नगर औद्योगिक नगर और पर्यटन नगर होते हैं जनसंख्या के आकार उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर नगर शहर सन नगर विश्व नगरी और मिलियन सिटी होती है ठीक है मानव बस्ती क्या है देखिए बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा तो उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है ये मानव बस्ती की डेफिनेशन है संसार में पाई जाने वाली बस्तियों की उनकी आकृति के अनुसार दो प्रमुख प्रकार कौन से तो सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती संसार में सड़कों रेल लाइनों नदियों और नहरों के किराने कौन सा ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप विकसित होता है तो रैखिक प्रतिरूप एक लाइन में लगे होते हैं संसार के आयताकार ग्रामीण प्रतिरूप की किन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है समतल क्षेत्रों में चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है सन्नगर शब्द को परिभाषित कीजिए ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं अगला देखिए शहरों और गांवों में आधारभूत अंतर क्या है व्यवसाय के अंदर आधार पर अंतर स्पष्ट करें तो नगरों या शहरों के निवासी द्वितीयक और तृतीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं और गाँव में रहने वाले लोग प्राथमिक गतिविधियां जो प्राथमिक क्रियाएं हमने पढ़ी ठीक है उनमें होते हैं तो ये डिफरेंस होता है उदाहरण देते हुए नियोजित बस्तियों की दो विशेषता बताइए नियोजित बस्ती कौन सी होती है उदाहरण देखिए भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास एम इथोपिया में ग्रामीणीकरण योजना नियोजित बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं हैं ये बस्तियां जो हैं सरकार द्वारा ग्रामवासियों से अधिग्रहित भूमि पर बसाई जाती है ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है जैसे आवास पानी बिजली सीवर और सड़क आदि तो ये होती है नियोजित बस्तियां ठीक है। बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या और किसी बस्ती को ग्रामीण कहे जाने के आधार क्या होते हैं तो वर्गीकर जाता है ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण उनकी स्थिति कार्य तथा आकृति के आधार पर किया जाता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या व्यवसायिक संरचना प्रशासनिक व्यवस्था अवस्थिति एवं आकृति के आधार पर किया जाता है ठीक है ग्रामीण वस्तु से कहते हैं जहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंध होता है जैसे कृषि पशुपालन आदि इसके अतिरिक्त नगरीय बस्तियों की अपेक्षा यहां जनसंख्या कम होती है ग्रामीण क्षेत्र निर्धारित करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या की सीमा जो है अलग अलग है ठीक है किसी प्रकार के नगर को आप स्वस्थ नगर की श्रेणी में कैसे रखोगे तो उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण डब्लूटीओ के अनुसार है सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध सुविधाएं देखिए ये दे, बताए गए हैं ए बी और सी ये दिया गया है यहां पे तो ए देखिए क्या है इन बस्तियों के प्रतिरूप का नाम लिखे तो ए जो है वो है रैखिक और बी है दोहरे ग्राम ठीक है ए आर एख की बस्तियां पाई जाती तो रेखी कम ने पड़ा था रेल मार्ग या नहर के किनारे किनारे और बी आर की बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या तो दोरे ग्राम जो है ये किसी नदी के दोनों ओर बसे होते हैं इनका संबंध पुलिया नाव से हो पाता है ठीक है जैसे नदी होगी और इसके दोनों तरफ जो है गाँव बस गए वो दोरे नगर हो गए ये एक रेखी है उसमें है ठीक है चलिए ये था बाकी इसमें कुछ और नहीं दिया गया है देखिए सैंत बस्तियाँ बताई गई हैं कौन सी होती हैं इनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं इन बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सारे या उपजाऊ मैदानों में होता है यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहते हैं इनके व्यवसाय भी क्या होते हैं समान होते हैं एक होती है प्रकीर्ण बस्तियाँ यहाँ मकान दूर दूर होते हैं और ये खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं पूजा स्तर या बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर टेन आगे जो चैप्टर आएंगे ज्योग्राफी के उसमें हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक है थैंक यू सो मच